प्रिय बच्चों, आज मैं अंध कवि सूर द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य के विनय शीर्षक से संबंधित कुछ पदों की व्याख्या करने जा रहा हूँ। उसको आप पहले सुनेंगे। तो सर्वप्रथम इसका सस्वर वाचन करेंगे, क्योंकि सूरदास जी ने इसमें या जितनी भी रचनाएं की हैं लगभग सब गेय पद में है। तो इसलिए आइए पहले इसका सस्वर वाचन करते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। अब ते राखिले हूँ भगवान, अब ते राखिले हूँ भगवान, पावनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया पार दिशा धे मान, पावनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया पार दिशा सस्वर वाचन हुआ। आइए अब पहले कुछ कठिन शब्दों को जानेंगे, इसके बाद इसकी व्याख्या किया जाए। अब कह राख ले हूं भगवान, अब कह माने इस बार, हम माने मैं अपने को, हम ब्रजभाषा का शब्द है, हम माने मैं, अनाथ माने असहाय, द्रुम माने वृक्ष, डरिया माने डाली, पारध माने बहेरिया, साधे माने साधे बाण, माने बाण का निशाना लगाए हुए, बाण का संधान लगाए हैं, ताके डर जिसके डर से, भाजो माने भागना चाहता हूं, ऊपर ढुके सचान, सचान माने बाज पक्षी, तो ऊपर बाज पक्षी मडरा रहा है, दुहु भांति दुख भयो आनी है कौन उबारे प्राण। तो इस तरह से तुम माने दोनों तरफ से, सुमिरत माने स्मरण करते ही, अहि माने सर्ग, पार भी माने वही बहेलिया और संधान माने निशान। तो इस प्रकार से यह कठिन शब्द की व्याख्या हुई, कठिन शब्द का अर्थ हुआ। अब इसके बाद इसकी व्याख्या देखेंगे। इसकी व्याख्या दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो साधारण व्याख्या है कि एक पक्षी है, वह वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ है और देखता है कि उसको मारने के लिए नीचे से बहेलिया बाण का निशाना लगाए हुए हैं, और यदि वह ऊपर भागना चाहता है तो देख रहा है कि ऊपर बाज पक्षी मटरा रहा है, अगर वह बैठा रहता है तो बहेलिए के बाण से मारा जाएगा, यदि उड़ना चाहता है तो ऊपर से बाज पक्षी मटरा रहा है,
वह उसको दबोच लेगा। ऐसी स्थिति में दुहु भांति दोनों तरफ से उसके प्राण संकट में है, ताके डर में भाजो चाहत ऊपर डुको से। तो कह रहा है कि जिसके डर से मैं भागना चाह रहा हूं, देखता हूं कि ऊपर बाज पक्षी मंडरा रहा है, और दुहु भांत दुख भयो आनी है कौन उबारे, अतः दोनों तरफ से मेरे प्राण संकट में है, इसलिए मेरे प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है, अर्थात हे प्रभु आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। तो सुमिरत ही अहि बसु, इस प्रकार से मन में पक्षी भगवान का स्मरण ही कर रहा था, भगवान का ध्यान ही लगा रहा था, कि उसी समय डसो माने डस लिया, पारधी माने बहेरिये को कौन आई, लेकिन कैसा आई, ज्ञान रूपी सर्प। तो अहि दस्यो पारधी, उसी समय एक सर्प आकर के बहेरिये को डस लेता है, और बहेरिये को जब डस लेता है तो इधर बहेरिये की मृत्यु हो जाती है, और बहेरिये के हाथ से वह बाढ़ छूट करके बाज पक्षी को लग जाता है। तो उधर बाज पक्षी मर जाता है, इधर बहेरिया मर जाता है, दोनों तरफ से उसके प्राण सुरक्षित हो जाते हैं। तो वह कहता है, सूरदास जी कह रहे हैं, वह बाज पक्षी कह रहा है, सर लगे हो सचा नहीं जय जय कृपा निधान, कि बाज पक्षी को वार लग जाता है और कहता है, हे कृपा के सागर आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो यह तो साधारण व्याख्या हुई, लेकिन अब इसकी व्याख्या देखेंगे कैसे है। अब कह राख ले भगवान, सूरदास जी जीवात्मा को पक्षी को जीवात्मा मान लिए हैं, सूरदास जी पक्षी को जीवात्मा मान लिए हैं, और वृक्ष की डाल जो है यह संसार रूपी वृक्ष की डाल है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अब कह राख ले भगवान, हे प्रभु, जीवात्मा रूपी पक्षी कह रहा है कि हे प्रभु इस बार आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। हों अनाथ, क्योंकि मैं अनाथ हूं, असहाय हूं, मजबूर हूं, लाचार हूं, निरीह हूं। बैठो तुम डरिया, मैं संसार रूपी वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ हूं। दुम माने वृक्ष, डालिया माने डाल, लेकिन कैसा वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष। मैं संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूं, पार दिशाधे मान, लेकिन मुझे मारने के लिए सांसारिक विषय रूपी बहेलिया बाण से निशाना लगाए हुए हैं। फिर ताके डर में भाजो चाह, जिसके डर से मैं भागना चाहता हूँ, अर्थात अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागना चाहता हूँ, तो देखता हूँ ऊपर ढुक्यो सचान, ऊपर मृत्यु रूपी बाज पक्षी मंडरा रहा है, और यदि मैं भागता हूँ तो ऊपर मृत्यु रूपी पक्षी जो मंडरा रहा है वह मुझे दबोच लेगा, अर्थात मुझे मार डालेगा। ऐसी स्थिति में दुहु भांति दुख भयो आनी है, वह जीवात्मा रूपी पक्षी कह रहा है कि ऐसी विषम परिस्थिति में मेरे प्राण दोनों तरफ से संकट में है, कौन उबारे प्राण, इस समय हे प्रभु आपके सिवा मेरे प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है, अर्थात आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। सुमिरत ही है, वह है जीवात्मा रूपी पक्षी, मन में ही भगवान का स्मरण कर रहा था, भगवान को याद कर रहा था, तो उसी समय अहि दस्यो, अहि माने सर्प, लेकिन कैसा ज्ञान रूपी सर्प ने दस्यो पारधी, वह सांसारिक विषय रूपी बहेलिये को डस लेता है, कर छूटो संधान, और बहेलिये के हाथ से जो विषय वासना रूपी जो बाण है वह छूट जाता है, और छूट करके मृत्यु रूपी बाज पक्षी को लग जाता है। तो होता क्या है, सूरदास सर लगे वो सचा नहीं जय जय कृपा निधान। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी कह रहा है कि लगे वो सचा नहीं जय जय कृपा निधान, जब मृत्यु रूपी बाज पक्षी को बाण लग जाता है तो इस तरह से इधर ज्ञान रूपी सर्प के द्वारा बहेलिये को डस लेने के कारण बहेलिये की मृत्यु हो जाती है, और उधर मृत्यु रूपी बाज पक्षी की मृत्यु हो जाती है, तो जीवात्मा रूपी पक्षी के प्राण दोनों तरफ से सुरक्षित हो जाते हैं। फिर वह भगवान की महिमा का गान करते हुए कह रहा है
हे कृपा के सागर आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो आइए देखते हैं इसमें ईश्वर की कृपा का वर्णन, काव्य समुद्र के तत्व के अंतर्गत देखेंगे ईश्वर की कृपा का वर्णन दृष्टांत के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से किया गया है। इसके बाद सर्प जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान रूपी सर्प, और वृक्ष जो है वह संसार रूपी वृक्ष, और पाधी जो है वह है सांसारिक विषय रूपी बहेलिया है। अतः इन सब में रूपक अलंकार, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार और अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर भाषा, सूरदास की भाषा जो है वह ब्रज भाषा है, जैसे आप देख रहे हैं हौ शब्द, भाज्यो शब्द, ये सब ब्रज भाषा के शब्द हैं, तो ब्रज भाषा का शब्द है। गेय पद शैली है, और संसार की यथार्थता का ज्ञान हो जाने के कारण अर्थात संसार से वैराग्य हो जाने के कारण इसमें शांत रस और ईश्वर की भक्ति की गई है अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, अतः भक्ति रस, तो शांत एवं भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से इसकी व्याख्या समाप्त हुई।